जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल स्टडी कराऊंगा कुर्ग कुर्ग चैप्टर टेंथ के इंग्लिश बुक में ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग है कुर्ग बहुत ही सुंदर बेहतरीन चैप्टर है क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों को जान लेना सीख लेना बहुत ही आवश्यक है कुर्ग चैप्टर आप देख पा रहे हैं कि लोकेश ऐबरॉल ने लिखी हुई है बहुत ही रोचक अंदाज़ में उन्होंने इस कुर के बारे में बताया है तो ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया ग्लिम्स का मतलब होता है झलक भारत का झलक जो कुर के रूप में दिखाया गया वो बहुत ही बेहतरीन है वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हम लोग झटपट शुरू करते हैं और देखते हैं कुर के बारे में लोकेश एब्रॉल ने क्या कौन सी बात लिखी हुई है मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किया इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कुर्ग के बारे में है ना तो चलिए हम लोग झटपट शुरू करते हैं देखो क्लिम्सिस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट है कुर्ग कुर्ग क्या है मैं आगे बताऊंगा और पूरा स्टडी कराऊंगा लोकेश एब्रॉल ने इससे लिखा है कुर्ग के बारे में समझ गए कुर्ग के बारे में लोकेश एब्रॉल ने लिखा हुआ देखो पहला पॉइंट जो है कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पेस स्पाइसिस जैसे ही आप चैप्टर खोलेंगे तो पहला लाइन आपको यही मिलेगा कुर्ग क्या है कॉफ़ी कंट्री है कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है कॉफ़ी कंट्री कहने का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कॉफी उगाया जाता है फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट और ये जो कुर्ग है ना ये फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट वर्षा वन के लिए फेमस है और स्पाइसिस यानी मसालों के लिए फेमस है दो तीन बातें आपने यहाँ पे सीखी कि कुर्ग जो है एक कॉफी कंट्री है कॉफ़ी कंट्री कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कॉफ़ी उगाया जाता है एक्चुअली ये इंडिया में ही है है ना तो ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए और मसालों के लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कहाँ पे है देखो ये बिटवीन मैसूर और मैंगलोर मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये जगह पड़ता है कुर्ग कुर्ग एक स्थान है कुर्ग एक जगह है जहाँ पे कॉफी बहुत ज़्यादा ये उपजाया जाता है देखिए ये कुर को लोकेश एब्रॉल ने कुर को फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड कहा इसकी खूबसूरती इतनी खूब अच्छी है कि लोकेश एब्रॉल ने इसका बयां किए हुए हैं कि ये जो है किंगडम ऑफ गॉड यानी गॉड का किंगडम है कौन तो कुर्ग तो अभी तक आपने बहुत ही सिंपल अंदाज़ में देख लिया सीख लिया कि कुर्ग जो है एक क्षेत्र जहाँ पे कॉफ़ी उगाया जाता है और अपने रेन फॉरेस्ट और मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कुर्ग जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है और ऐसा दृश्य और सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ पर है लगता है कि ये किंगडम ऑफ़ गॉड है यानी भगवानों का किंगडम है है ना चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं देखिए ये जो कुर्ग है ना यहाँ कौन कौन से लोग निवास करते हैं ये यह भी यहाँ पे एब्रॉल ने बताया हुआ था कि मार्शल मैन यहाँ के लोग काफ़ी मार्सले जो आर्मी में आर्मी में रहते हैं उस तरह के लोग हत् इकट्ठे और ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे हैं स्ट्रॉन्ग लोग हैं ब्यूटीफुल वूमेन यहाँ की महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे लोकेश ऐब्रल ने वाइल्ड क्रिएचर के बारे में बताया है कुर्ग को लेकर के कुर्ग कुर्ग में जो है इन सबों का निवास है मार्शल मैन ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स ये सभी रहते हैं कुर्ग में ये लोकेश एबरॉल की जो बातें हैं ना ये आपको तो मोहते हुए आगे बढ़ते हुए चैप्टर में ले जाते हैं देखो कुर्ग जो है ना कुर्ग जो है या कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है कुर्ग को कोडागो भी कहा जाता है ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है किसका कर्नाटक हमारा जो राज्य है कर्नाटक उसका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग जिसको कि कोडा कोडागो भी कहा जाता है अब देखो ये फेमस है मैंने आपको पहले ही बताया कि रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है यहाँ पे कॉफी उगाया जाता है और यहाँ के मसाले काफ़ी ज़्यादा फेमस है बहुत ही अच्छे मसाले यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं देखिए 30 परसेंट ऑफ लैंड जो है वो कवर किया गया है किससे रेन फॉरेस्ट से ये जो कुर्ग है इसका 30 परसेंट लैंड जो है वो रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वाले बन से घिरा हुआ है 30 परसेंट यू कॉन्ट बिलीव 30 परसेंट जो है लैंड का वो वर्षा वाने क्षेत्र में है काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपना छुट्टियाँ बिताने के लिए और प्रकृति का मजा लेने के लिए तो ये जो समय है ना सेप्टेम्बर टू मार्च ये बताया जा रहा है यहाँ पर लोकेश एवरॉल के द्वारा सितंबर टू मार्च जो है यहाँ विजिटर आते हैं यहाँ जो है वो विजिटर आते हैं और एटमॉस्फेयर का मजा लेते हैं चूँकि सितंबर टू मार्च के बीच में जो एटमोसफेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सुहानी होता है मस्त होता है ज़बरदस्त होता है है ना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे ना कुर्ग में कॉलोनियल बंगलोज भी देख सकते हैं कॉलोनियल बंगलोज का मतलब हो गया कि यहाँ जो अपनिवेश आए थे उनके बंगले जो हमारे देश पे शासन किए थे उनके बंगलों भी यहाँ पे मौजूद आपको मिल जाएंगे पुराने बंगलों यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगे है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और वो जो लोग थे ना ऐसा बोला जाता है ऐसा कहा जाता है कि वो अरेबिक डिसेंट के लोग थे या फिर ग्रीक थे और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहा जाता है कि कुछ एक स्टोरीज या ऐसे बिलीव है कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ आए थे और वहाँ रह गए अलेक्जेंडर की अलेक्जेंडर के बारे में आपको पता है एलेक्जेंडर की आर्मी वहाँ आए थे और शासन करने के दौरान भी वहाँ रुक गए बस गए है ना? फिर आगे बताया जाता है कि वही आर्मी जो है वही जो लोग हैं वही जो आर्मी पर्सन जो थे वो लोगों शादी यहाँ पे कर लिए किससे जो लोकल पीपल थे उनसे वो शादी कर लिए उस जगह पे कुर्ग के लोगों से तो ये बिलीव है कि अलेक्जेंडर के आर्मी यहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ के कॉमन पीपल या फिर लोकल पीपल से शादी कर ली और वहीं पे वो बस गए तो ये भी एक बिलीव है कि इस तरह से कुर्क के लोग वहाँ रहा करते हैं देखिए कोडाबूस कोडाबूस जिसे कुपिया भी कहा जाता है एक यूनिफॉर्म है है ना? ये अरब्स और कुर्द जो है ये पहनते हैं है ना अरब और कुर्द इसे पहनते हैं एक तरह का यूनिफॉर्म होता है जिसे अरब और कुर्द के लोग भी पहनते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुर्ग रेजिमेंट बहुत ही फेमस है यहाँ पे इसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है कि कुर्ग रेजिमेंट हमारे इंडिया के आर्मी में भी है और कौन नहीं जानता जनरल करियप्पा को जनरल करियप्पा जो है ये फर्स्ट चीफ थे सेना के है ना फर्स्ट चीफ थे सेना के और जनरल करियप्पा जो है ये कुर्गी थे आ, बहुत बड़ा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आया है कि जनरल करियप्पा जो थे वो कुर्गी थे और वो इंडियन आर्मी में फर्स्ट चीफ भी रह चुके हैं तो सोच सके कितना इम्पैक्ट है कुर के लोगों का हमारे देश पे है ना द दे कावेरी देखो कावेरी नदी के बारे में भी यहाँ पे लोकेश प्रांजोल लोकेश एब्रोल ने बताया है लोकेश ऐब्रल ने बताया है कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी का जो पानी है वो कहाँ से आता भाई ये कुर्ग की धरती से आता है कुर्ग कुर्ग में जो पहाड़ी है उससे और जो रेन फॉरेस्ट है उससे आता है है ना कुर्ग के रेन फॉरेस्ट और पहाड़ी से कावेरी नदी की पानी जो है नीचे आता है बहुत सारी चीज़ों के यहाँ के क्रिएचर्स के बारे में लोकेश ऐबरॉल ने बताया हुआ है जैसे महासर महासिर जो है उस क्षेत्र में पाए जाने लेकिन बहुत अच्छी मछली है वहाँ से किंग फिशर जो है कैसे शिकार करते हैं उसके बारे में बताते हैं यानी प्राकृतिक प्रकृति का वर्णन बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पे किया है देखिए वहाँ पे लंगूर्स भी हैं वहाँ पे चिड़ियाँ भी हैं और वहाँ पे मधुमक्खियाँ भी हैं बटरफ्लाइज भी हैं और म, मकाक मकाक जो है बंदर की प्रजाति होती है वो भी वहाँ तो इतने प्रजातियाँ वहाँ पे आ, कुर्ग में हैं और प्रकृति का जो है बैलेंस बनाए हुए हैं और उसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्शक मैंने पहले ही बताया कि आ, ये आपका देख पा रहे हैं सेप्टेंबर सेप्टेम्बर टू मार्च के बीच में आते हैं चूँकि वहाँ का एटमोस्फियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है देखिए और भी वहाँ बताया गया है लोकेश एब्रोल ने कि वहाँ के जो स्क्वा है वो काफ़ी खूबसूरत है एलिफेंट के बारे में बताया है और माउंटेन क्लाइंबिंग भी होते हैं लोग आते हैं यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए रैपलिंग रैपलिंग क्या होता है अर्थ जैसे रस्सियों को पकड़ करके पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो रैपलिंग कहलाता है ना और रॉक क्लाइंबिंग जो रॉक्स होते हैं उस पर भी लोग चढ़ने के लिए दूर दराज से आते हैं है ना प्रकृति प्रेमी जो है वो खींच लाता है लोगों को यहाँ पे कुर्ग में देखिए यहाँ पे ब्रह्मागिरी के बारे में बताया गया है ब्रह्मागिरी का जो व्यू है ना ब्रह्मागिरी से ये कुर का व्यू काफ़ी ज़्यादा पनोरमिक होता है यानी जबरदस्त सुंदर बहुत ही लाजवाब होता है निसारगंधा का भी यहाँ पे लोकेशन बताया गया है है ना देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बेलागुपी बाला, कुपी। बाला कुपी जो है ये बहुत फेमस जगह है किसके लिए बुध मोंग के लिए बुध मोंग के लिए बुद्ध के जो साधु संत होते हैं उनके लिए बाला जो है बहुत आ, ही फेमस स्पॉट माना जाता है जगह माना जाता है जिसमें कि उनके अपने ही कलर में जो यूनिफॉर्म होते हैं उसे आप देखेंगे तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे काफ़ी सुंदर जो दृश्य है वो उनका प्रकृति के साथ समा समायोजन करके आ, आप देख सकते हैं है ना तो इसीलिए लोकेश एब्रोल ने कुर्ग को हर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा यानी भारत की हृदय और भारत की आत्मा लोकेश ऐब्रॉल ने गुरगु को कु कहा तो बहुत ही रोचक इस चैप्टर रोचक तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा सीखा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अपने दोस्तों को आप शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नए वीडियो का वेट करें तब तक के लिए जय हिंद